दो टाइप्स की होती हैं, एक माइक्रोनिश एंड मैक्रोनिश। वेल, माइक्रोनिश कहते हैं एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करना। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी निश, मेन निश जो है वो हेल्थ है, तो मैं उसमें सिर्फ हेल्थ के रिलेटेड कंटेंट डालूं, या हेल्थ के जो सब निशेज हैं उसके रिलेटेड कंटेंट डालूं। लाइक जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हेल्थ में फिटनेस, फूड वगैरह की सब निशेज आ जाती हैं, तो अगर मैं हेल्थ के रिलेटेड जैसे कंटेंट डालूं तो इसको हम कहते हैं माइक्रो निश। और अगर एक ऐसी वेबसाइट बनाऊं जिसमें मैं हेल्थ पर भी कंटेंट डालूं और टेक्नोलॉजी पर भी कंटेंट डालूं और मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स पे कंटेंट डालता रहूं, तो इस चीज़ को माइक्रो निश कहते हैं। चलें आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं इस चीज़ की। इस चीज़ की सबसे बड़ी एग्जांपल डिज़ाइन आर्टिकल्स हो सकती है। डिज़ाइन आर्टिकल पे अगर आप जाएं तो इधर आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी जिसमें सारा कुछ मिक्स है, लाइक जिसमें आर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, गेमिंग और सारी चीज़ें इसने कवर की हुई है, तो इस चीज़ को कहते हैं मैक्रोनिश। लेकिन अगर हम हेल्थ सर्च करते हैं या फिर health.com पे जाते हैं, तो इसमें health.com पे सारा कंटेंट जो है वो हेल्थ के रिलेटेड है, तो इसलिए इस चीज़ को माइक्रोनिश कहते हैं। ये बेसिक जो है डिफरेंस है माइक्रोनिश एंड मैक्रोनिश के, मैक्रोनिश में। तो अब सवाल ये आ जाता है कि आपको कौन सी निश चूज़ करनी चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए। मैं माइक्रोनिश में ये होता है कि आपका फोकस एक चीज़ पे रहता है, और मैक्रोनिश में ये होता है कि आपका आप एक जगह एक चीज़ पे जो है वो फोकस नहीं बना पाते। तो मैं आप लोगों को ये सुजेस्ट करूँगा कि आप माइक्रोनिश पे करें। एक तो ये कि इसमें आपका फोकस रहता है, दूसरा ये कि मैक्रोनिश की निस्बत माइक्रोनिश में जो है वो कंपटीशन कम होता है, और आप अच्छे से इसको टाइम दे सकते हैं और आप अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करके और अपनी पूरी एफर्ट करते हैं उसको रैंक करवाने में। सो अगर आप न्यू भी हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप पहले जो है वो माइक्रो निश से स्टार्ट करें, लेकिन अगर आप मीडियम लेवल के हैं या आप ऑलरेडी एक्सपर्ट लेवल के हैं तो फिर आप जो है वो माइक्रो निश पे भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, बट मेरी सुजेशन ये है कि आप स्टार्टिंग में माइक्रो निश से स्टार्ट करें।